हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो आज मैं बताने वाली हूं आपको ये टेस्टी हेल्दी सा लड्डू, जो ख़ास तौर से विंटर में ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे छोटे बड़े सभी खा सकते हैं, ये सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। खाने में तो ये टेस्टी लगता ही है, साथ ही इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए रहते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको खाने से आपके कमर दर्द की प्रॉब्लम अगर है, जोड़ों में दर्द अगर है तो ये दूर होती है। साथ ही अगर विंटर में आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है या बच्चों को वो होती है तो ये लड्डू खाने से ये सारे प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। साथ ही आपको विंटर के सीज़न में जो ठंड का सीज़न होता है उसमें आपको ठंडे से बचाएगा और इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ख़ास तौर से ठंड के लिए। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नहीं तो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं कि इसमें मैंने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिसमें ये है बेसन, इसे मैंने घर का बना हुआ बेसन मैंने लिया है आधा केजी यानी 500 ग्राम। ये मैंने लिया है 500 ग्राम गेहूँ का आटा, और यहाँ पे मैंने लिया है टर्मरिक पाउडर, यहाँ पे मैंने 50 ग्राम के लगभग टर्मरिक पाउडर लिया है। ये मैंने लिया है 250 ग्राम अखरोट, ये मैंने लिया है 100 ग्राम तिल, यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम बादाम, और यहाँ लिया है मैंने 250 ग्राम काजू। ये देखिए ये है हमारा जिंजर पाउडर, जिसे सौंठ भी कहते हैं हम, 100 ग्राम है ये, और ये है जैगरी यानी कि गुड़। तो 1 केजी मैंने गुड़ लिया है, क्योंकि इतने जिस सारे इंग्रेडिएंट्स में 1 केजी गुड़ हमें चाहिए। तो इन सभी को चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं कि इनकी कैसे हम रेसिपी बनाएंगे इनसे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पैन लेंगे और इसे फुल फ्लेम पे हीट करेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम घी, क्योंकि घी लड्डू में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें पानी हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। घी में मैंने यहाँ पे जितने भी ये आटे हैं उनको रोस्ट किया है मैंने, हल्का सा इनको भून लेंगे हम। तो ये है बेसन, इनको थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक हम इनको भूनेंगे। बहुत लोग हैं कि ड्राई ही भूनते हैं बेसन को, बट घी जब इसमें डालना ही है तो घी डाल के भूनने से ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा तरह से भून जाता है, तो इसलिए इसमें मैंने घी ऐड किया है। और इसको जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाए तब तक हम इसको इसी तरह भूनेंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम लो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो आपका जो बेसन है वो जल भी सकता है। तो यहाँ पे इसे ये देखिए जो कलर हमारा है बेसन का वो ब्राउन हो गया, अब उसको मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पर घी ऐड करूँगी और यहाँ पर मैं भूनूँगी गेहूँ का जो आटा है उसे, गेहूं के आटे को भी हम ब्राउन होने तक यहाँ पे भून लेंगे। ये देखिए इसमें भी मैंने घी ऐड किया है, इसमें टोटल घी मैं लगभग 750 या 800 ग्राम के लगभग यूज़ किया है मैंने। ये देखिए ये भी धीरे धीरे करके इसका भी कलर ब्राउन हो रहा है, ये देखिए ये भी हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह भुन गया है, इसका कलर आप देख सकती हैं चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है हमें इसे, बस हल्का सा ब्राउन कर लेना है। तो ये भी हो गया, इसको भी हम हटा लेंगे। ये देखिए अब इसमें हम जो ये हमारा टर्मरिक पाउडर है इसको हम भून लेंगे। टर्मरिक पाउडर जहाँ तक आप जानती हैं एंटीसेप्टिक होता है और एंटीबायोटिक भी होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये सर्दी जुकाम में ख़ास तौर से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए ये सर्दी के मौसम में इसके बने लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए टर्मरिक यहाँ पर मैंने ऐड किया है। ये आपको ठंड से प्रोटेक्ट करेगा आपके बॉडी को, और साथ ही सर्दी जुकाम की जो प्रॉब्लम है उससे भी ये होने नहीं देगा। तो इसे भी लाइट ब्राउन ही करेंगे, बहुत ज़्यादा हल्दी को नहीं हम भूनेंगे। ये देखिए थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, अब इसमें हम जो हमारा जिंजर पाउडर है जिसे हम सौंठ कहते हैं वो भी डाल के इसमें लाइट ब्राउन कर लेंगे, बस थोड़ा सा ब्राउन ही करेंगे इसको। जिंजर डालने के बाद इसमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे हम इसको। तो ये देखिए जो हमारा ये पाउडर है वो बिल्कुल भुन गया है, लाइट ब्राउन हो गया है। ये देखिए चारों तरफ से अब इसको भी गैस से नीचे निकाल लेंगे, और जिसमें मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स ऐड किए हैं उसमें मैं इसको भी ऐड कर लूँगी। अब इसमें हम जो हमारा गुड़ है उसको ऐड करेंगे।
गुड़ को बिल्कुल लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आप बिना पानी डाले इसको कम आंच पे ही इसको पिघलने तक चलाती रहें। धीरे धीरे करके गुड़ जब पिघल जाएगा, गुड़ को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस इसका लिक्विड करना है हमें। जब लिक्विड हो जाएगा गुड़ तो बस ये गुड़ का पाक तैयार हो जाएगा। तो इसको हल्के आंच पे बिल्कुल इसको पिघलाएं, नहीं तो गुड़ जलने लगेगा। तो इस तरह धीरे धीरे करके हम गुड़ को पिघलने तक से पकाएंगे। तब तक ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनका हम पाउडर बना लेते हैं, क्योंकि ये देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे, मैंने अभी अखरोट लिया था इसका पाउडर बना लिया, बादाम का पाउडर बना लूँगी, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप थोड़ा बहुत खुरदुरा भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इसको नहीं पसंद होने की वजह से मैं पाउडर बना के ही ड्राई फ्रूट्स के डालती हूँ, क्योंकि वो नहीं खा पाते हैं तो इस तरह पाउडर बना के डालती हूँ, तो उनको समझ में नहीं आता। अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा सा इतना महीन पाउडर ना बना के थोड़ा सा खुरदुरा करके रख सकती हैं, उसका भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए जितने भी पाउडर मैंने बनाए थे सभी को एक जगह मिक्स कर लिया है इस तरह, ये देखिए। अब बस इसमें जो हमारा गुड़ का पाग है वो डालना रह गया है, तो चलिए गुड़ को देख लेते हैं। ये देखिए गुड़ अच्छी तरह पिघल गया है, लेकिन इसे थोड़ा बहुत अभी रह गया है लम्स इसमें, तो जब पूरी अच्छी तरह पिघल जाए थोड़ा देर उसके बाद इसको हम उसमें, तो ये गुड़ का पाग तैयार हो गया है और इसको अब हम इसमें मिक्स करेंगे। आप सावधानी से गुड़ के पाक को इसमें डालें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और इसको आप स्पून से धीरे धीरे करके चलाएं, हो सके तो बड़े बर्तनों का ही यूज़ करें, हाथ पे नहीं लगे, नहीं तो हाथ आपका जल सकता है, इसलिए धीरे धीरे करके आप इसको मिक्स कर लें। ये देखिए धीरे धीरे करके आप नीचे तक इसको सारे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह। इसे आप बड़े स्पून का ही हेल्प ले इसको मिक्स करने के लिए, हाथ इसमें ना डालें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे तिल, तिल को भी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। तिल का टेस्ट इतना अच्छा लगता है इस लड्डू में, बहुत ही टेस्टी लगता है तिल का टेस्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया तिल। ये देखिए तो यहाँ पे इसे निकाल लेंगे अच्छी तरह, ये मिक्स हो गया है। अब इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे, ये देखिए अच्छे अच्छे लड्डू बन रहे हैं इसे बिल्कुल। इसमें पानी भी मैंने नहीं लिया, ये देखिए सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं लड्डू। और इसे आराम से आप 10 से 15 दिन तक आप बना के रख सकती हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और डेली इसे सुबह में आप एक लड्डू खा के और उसके बाद दूध पी सकती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके हेल्थ के लिए। तो चलिए आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरे ये सोट के लड्डू कैसे लगे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इसी तरह चलिए आपको मैं नए नए वीडियोज़ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, जो खासतौर से विंटर के लिए और आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसी तरह नए यूनिक और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके मैं फिर आऊँगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।